जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लोगों का योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। आज कश्मीर की धरती में से दुनिया भर के सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने एक साथ योग किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लोगों को इसके फायदे बताते हुए अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताने की सलाह दी है। दिल्ली की राव जीवनी कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1,00,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कुछ राज्यों में मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कराईकल, कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के बाद अब यूजीसी नेट पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। नीट और यूजीसी नेट के छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। देशभर के मेडिकल और यूजीसी नेट छात्र सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। यूजीसी नेट पेपर लीक का कनेक्शन डार्क नेट और टेलीग्राम से निकलकर सामने आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी नेट पेपर लीक होना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की संस्थागत विफलता है। नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा ने राहुल को राजस्थान में हुए पेपर लीक की याद दिलाई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क और संवेदनशील है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम और केंद्र में सरकार के गठन के बाद अब जल्द ही नई संसद का पहला सत्र शुरू होने वाला है। इसी क्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। भर्तृहरि महताब निचले सदन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को सुपर 8 मुकाबले में 47 रनों से मात दी है। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली। सूर्या को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। टी20 इंटरनेशनल में सूर्या ने सबसे ज्यादा बार इस रिकॉर्ड को जीतने के मामले में विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 250 अंक की तेजी के साथ 77,729 के स्तर पर ओपन हुआ है। निफ्टी में भी 90 अंक की बढ़त के साथ खुला। पाकिस्तान में गुरुवार को गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को कुरान के अपमान करने के आरोप में जिंदा जला दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक घटना खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले के मदियान इलाके की है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 8 लोग घायल हो गए हैं।